नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीईटी की। उत्तर प्रदेश में छात्रों के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है, छात्रों के भविष्य के साथ किस तरीके से खेल किया जाता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज की परीक्षा। मैं आपको दिखाऊंगा कि विद्यार्थियों के साथ कितना बड़ा विश्वासघात हुआ है, होनहार छात्रों के साथ में कितना बड़ा विश्वास हुआ है। जो छात्र इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली में जाकर के 10x10 के कमरे में रह करके किसी तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके सपनों को किस तरीके से तोड़ा जाता है, उसका उदाहरण ये परीक्षा है। यूपी टीईटी की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई है इस परीक्षा में। इतनी बड़ी गड़बड़ी आज तक नहीं हुई थी, इतनी बड़ी गड़बड़ी जो पिछला पेपर आउट हुआ था उसमें भी नहीं हुआ था। लेकिन आपसे कहूंगा कि आप लोगों को इस वीडियो को वायरल करना होगा ताकि आप लोगों के साथ में ये खिलवाड़ ना हो सके। ये जो पेपर आप लोग टीईटी का देख रहे हैं ना, ये टीईटी का पेपर है और टीटी में आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, सृजन शास्त्र के पिता पूछा गया था आज के पेपर में और इसका उत्तर है गाल्टन। समझे आप, इसका उत्तर है गाल्टन, सृजन शास्त्र के पिता। आप लोगों ने भी देखा होगा। अगला क्वेश्चन भी आज पूछा गया था, क्रिया अनुबंधन सिद्धांत। ये आज इसी तरीके का एक क्वेश्चन आया था जो कि स्किनर ने दिया था, ठीक है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन आज पूछा गया था, सीरियल से देखते जाइए, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आज पूछा गया था। ये मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ आप लोगों को और ये पेपर जो है आज का नहीं है, ये पेपर है 2017 का। 2017 की ज़्यादातर क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, कितने क्वेश्चन आए पूरे का पूरा 2017 का जो पेपर है वो लगभग पूरा का पूरा उठा करके 2022 की परीक्षा में रख दिया गया है। ना विशेषज्ञों को बुलाया गया है, ना कुछ किया गया है। जो विद्यार्थी जिन्होंने 2017 में पेपर दिया होगा उनका पेपर हूबहू हो गया होगा और जो विद्यार्थी मेहनत से पढ़ाई करते हैं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है। देखिए, कॉलर वाला क्वेश्चन आज आया था कि नहीं आया था, क्रिया प्रसूत वाला क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, सृजनात्मकता वाला क्वेश्चन आज आया था कि नहीं आया था, और ये सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत आया था कि नहीं आया था, ये आप लोग बताइए। ये 2017 का पेपर है, 2022 का नहीं है। और शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, किसके सुधार हेतु किया जाता है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आज आया था या नहीं आया था, ये आप लोग बताइए। और मैं बता दूं कि इसमें जो आप लोग देख रहे हैं ना, विकल्प भी यही चारों रखे गए हैं। जो एक मिनट में बताता हूं, इसमें चारों जो विकल्प है ना, चारों समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता और समस्या समाधान, ये जो सीरीज सी का क्वेश्चन नंबर 2022 में जो पेपर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर तीन में, ये चारों विकल्प सेम के सेम पूरे विकल्प भी उतारा गया है, प्रश्न भी उतारा गया है। एक बात बता दूं, वीडियो को वायरल करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मेहनत करनी होती है सरकार की कमियां निकालने में। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है। ये पेपर जो मेरे पास है ये 2017 का क्वेश्चन पेपर मैंने उठा करके रखा है, 2017 का, याद रखिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि ये पेपर जो है 2022 का, 2017 का केवल है, ना 18 का, ना 19 का, ना 11 का, ना 12 का, ना 13 का, ना 14 का, केवल और केवल 2017 का पूरा पेपर लगभग रिपीट कर दिया गया है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का जो की चर्चा जो है वो किसने की है, इसका सही विकल्प क्या है, ये चारों के चारों जो विकल्प हैं वो भी सेम, बिल्कुल, मतलब ए नंबर एक पर क्रेशमर है। तो आज जो पेपर पूछा गया है सीरीज सी में, उसमें भी नंबर एक पर क्रेशमर है। तो इस तरीके से बिल्कुल सीरीज पूरा मिला दिया गया है, क्रेशमर, यूंग, कैनन और इस पर, वैसे इसका जो सही आंसर है वो कैनन है, मैं आपको बता दूं, लेकिन ये पेपर रिपीट किया है। पेपर नंबर 2022 सीरीज सी का क्वेश्चन नंबर उठा लीजिए आप, ये जो लिखा हुआ, निम्न में से किसका शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आज पूछा गया है सीरीज सी में, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम 8, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है आज सीरीज सी में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए सेम क्वेश्चन वही है, विकल्प भी वही है, पहला विकल्प मानसिक विकास कैसे भिन्नता, पहला विकल्प जो इसमें है 2022 में वही पहला विकल्प 2017 में भी था। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये 2017 का पेपर है, आप लोग बताइए ये पेपर आज आया था
हाँ आया था। अरे पूरा का पूरा पेपर, ये देखिए मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। यार क्या ये सरकार है? सरकार को पास कोई टीचर नहीं है, कोई विशेषज्ञ नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई सोचना तो चाहिए कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं, छात्रों के साथ कर क्या रहे हैं। एक पेपर उठाया, उठा के दे दिया। ये तो पेपर लोग 10-10 बार 20-20 बार लगा चुके हैं, 100-100 बार लगा चुके हैं। कोचिंग वाले रोज, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो जो पढ़ रहे हैं, जो मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं वो बेवकूफ़ हैं। क्यों वो पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों प्रयागराज में विद्यार्थी रह रहे हैं? क्यों बनारस में विद्यार्थी रह रहे हैं? क्यों दिल्ली में विद्यार्थी रह रहे हैं? तो बहुत बड़ा खेल हो गया है, बहुत बड़ा खेल हुआ है। और तो यार, अरे देखते जाइए आप लोग, 12 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष जलोटा वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फिर से पूछा गया है 2017 का। सेम पेपर भैया, सेम बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत या तीन कारक पूछ लेते, बहुबुद्धि सिद्धांत पूछ लेते, लेकिन द्विकारक ही क्यों पूछा था 2017 में पूछा था। 2017 का ये पेपर भैया, पूरा का पूरा मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, पूरा सीरियल से मेरे पास 2017 का पेपर है और यही पेपर आज भी पूछा गया है। अरे भाई आप लोग ये देख लीजिए, आप हिंदी में पूरा का पूरा पैराग्राफ ही उठा लिया है। चलो ठीक है, मान लिए पैराग्राफ उठा लिया है, तो क्वेश्चन क्यों उठा लिए हैं? क्वेश्चन देख लीजिए, घुमक्कड़ में कौन से प्रत्यय नहीं है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। पागल बना दिया है, ये पेपर रद्द होगा, ये पेपर रद्द करवाओ इसको, पढ़ने वाले छात्रों का नुकसान है, रट्टू तोता सब पास हो जाएंगे। 145 में 145 लड़के करके आए, मुझे पता है 145 में 145। फिर बाद में आप लोग हंगामा करेंगे, सर ये कहां से 145 कैसे कोई ले आएगा, ऐसे लोग ले आते हैं 145, उसमें सरकार की गलती है पूरी की पूरी। ये देखिए प्रश्न, देखिए महात्मा बुद्ध ने जब, ये देखिए पूरा, ये देखिए महात्मा बुद्ध, बुद्धत्व, ये सेम प्रश्न, श्रुति धर्म क्या, बताइए बताइए क्या हो गया है आज। अरे इसको वायरल करिए, जल्दी वायरल करिए, इसको जल्दी वायरल करिए, नहीं तो सभी छात्रों का नुकसान, पूरा उत्तर प्रदेश के सभी गधे पास हो जाएंगे, सभी गधे पास हो जाएंगे जिन्होंने भी 2017 सॉल्व किया है। 17 पेपर तो लोग देते हैं, पेपर देने के बाद में घर में मिलाते हैं, जिन्होंने एक बार मिला लिया होगा पूरा का पूरा पेपर कर दिया होगा। देखिए देखिए पूरे का पूरा पेपर, ये देखिए सा का ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, अंत, तो इस तरीके से। अब मैं क्या दिखाऊं आपको, आप लोग समझ सकते हैं, पूरा पैराग्राफ, पैराग्राफ के पूरे क्वेश्चन, पूरे प्रश्न, पूरे उत्तर, 2017 का पूरा विकल्प भी वही दे दिया है। इतने पर भी अगर आप लोग वायरल ना करें, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना सब कुछ करना पड़ता है इसकी, तब भी आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वायरल कर डालिए, पूरा पूरा वायरल कर दीजिए। योगी सरकार तक जाए, अखिलेश यादव के पास भी ये वीडियो जाए और प्रियंका गांधी के पास भी ये वीडियो जाए, सब जगह वायरल कर दीजिए कि उत्तर प्रदेश में ना तो योग कर्मचारी है, ना तो योग मुख्यमंत्री है, ना तो योग अधिकारी है, पेपर करवा नहीं सकते हैं, पेपर बनवा नहीं सकते हैं, कापियां जांच नहीं सकते हैं। और इसी के बीच में युवा मंच की टिप्पणी आ गई है, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का क्या कहना, देखिए। आज बेहद संवेदना के साथ मैं कहना चाहूंगा कि पीएनपी के द्वारा जो दावा किया जा रहा था कि हम कोविड-19 के इस दौर में भी परीक्षा को संपन्न करा लेंगे और उन्होंने संपन्न भी कराया, लेकिन दुर्भाग्य है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के पास न तो पेपर बनाने वाले एक्सपर्ट हैं, न विषय विशेषज्ञ हैं, न ही इनके पास कोई शिक्षित समाज है, इसीलिए उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालय, सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। आप सभी को मित्रों बताना चाहूँगा कि टेट में 2017 में परीक्षा हुई थी, जो OMR जो बुकलेट थी उसको मिलान करिए आप और देखिए और इनसे सवाल करिए कि आखिर साहब युवाओं के भविष्य के साथ मजाक क्यों किया जा रहा है। 2017 के 90% से अधिक प्रश्नों का समावेश TET 2021 कह लीजिए या 22 कह लीजिए, जो भी इसको आप कहिए, उसमें मिला हुआ है। और साहब 2021 है, 21वीं सदी का भारत, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के मुखिया चौकीदार बना रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं इस पर बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो लोगों को लगेगा कि अनिल सिंह विरोध कर रहा है इसलिए कि अनिल सिंह फेल है, जबकि मैं परीक्षा नहीं दिया हूं। आपको बता दें कि ये सरासर गलत है कि 2017 का पेपर 2021 में दे देना। तो यहाँ पर 2017 का पेपर 2022 में दे दिया गया है, पूरा का पूरा पेपर है, मैंने आप लोगों को दिखाया, विकल्प तक नहीं बदले गए। वायरल करिए, फिर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।